नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक का और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं कुछ समय बाद स्टार्ट होने वाली है और उसी तैयारी को मूर्त रूप देने के लिए हम क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन बैंक जो माध्यमिक शिक्षा मंडल और लोक शिक्षण संचालनालय की संयुक्त पहल है और छात्रों की सुविधा के लिए बनाया गया है, तो उसी को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। और आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं यूनिट सेकेंड, पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसका हमने लिया है अध्याय 5, पुष्पी पादपों की आकारिकी। और पुष्पी पादपों की आकारिकी में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो चलिए इनको अटेम्प्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें विकसित किससे होती है भाई? मूलांकुर से होती है ना, रेडिकल से होती है। दूसरा, मूल रोम जड़ के किस भाग में पाया जाता है? मूल रोम जड़ के परिपक्वन क्षेत्र में पाया जाता है। मूल रोम जो है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है जो जल एवं मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। श्वसन मूल पाए जाते हैं, राइजोपोरा में श्वसन मूल पाए जाते हैं। तने का रूपांतरण है आलू, अदरक, हल्दी या उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में पत्ती के भाग हैं, पर्णाधार, पर्णव्रंध, मध्य शिरा, ये सभी भाग जो है एक पत्ती के भाग है। चलिए अब देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में खालिस्तान शिराविन्यास पाया जाता है, तो यहाँ पर जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, या जिसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। जबकि एकबीजपत्री पौधों में क्या पाया जाता है भाई? समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, ठीक है ना, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है? बाहरी चक्र बाह्य दल पुंज कहलाता है, ठीक है, बाह्य दल पुंज। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुष्प का नर भाग एंड्रोसियम या पुमंग कहलाता है। नर भाग क्या कहलाया भाई? पुमंग कहलाया, है ना। और यहां पर हमने क्या लिखा था? बाह्य दल। पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? इसका मादा भाग कहलाता है जायांग या गायनोशियम। वहीं पर प्याज का कुल, ये लिलियेसी कुल के मेंबर है, लिलियेसी कुल। चलिए अब देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में अ और बा दिए हुए हैं, दोनों को मैच करना है। उतंतु या फिलामेंट, ये फिलामेंट किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है नर जनन अंग का, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुमंग, या जिसको हम एंड्रोसियम कहते हैं। वर्तिका किसका भाग है भाई? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है? जायांग। दालें, दालें जो है वो फेविसी कुल की मेंबर्स है। प्याज, प्याज की अगर हम बात करें लिलियेसी फैमिली का है। और वहीं आलू की बात करें तो आलू सोलेनेसी मेंबर का, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। सोलेनेसी फैमिली में मोस्टली जो है सब्जियां आती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए में आम में मध्य भित्ति का कौन सा, फल भित्ति का कौन सा भाग खाया जाता है? और इसका सही जवाब है मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति इसका सही जवाब है। तने का विकास बीज के किस भाग से होता है? तने का विकास बीज के किस भाग के से होता है? तो प्रांकुर। एक बीज पत्री बीज का बीज पत्र क्या कहलाता है? तो हम इसको कहते हैं स्कूटेलम। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं भाई? स्कूटेलम कहते हैं। मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आपको मालूम है इसका वानस्पतिक नाम है पाइसम शटाइवम। वहीं पर प्याज का वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका नाम है एलियम शीपा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। अब अगर हम इनके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं, किनकी बात कर रहे हैं? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, इन सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो यहां से आप इनको देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।